अंडे खाने के बाद वो चल दिए। जब पैसे की मांग की भाई ने तो उसे गाली गलौज देने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बोलने लगे झूठे केस में फंसा के आपको जेल भेज देंगे। आगरा में अंडे का पैसा मांगना एक दुकानदार को बहुत ही भारी पड़ गया, जहां पुलिस कर्मियों ने पहले आराम से अंडे खाए और फिर दुकानदार के पैसे मांगने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि पुलिस वालों ने दुकानदार को बचाने आए उसके छोटे भाई को भी बुरी तरह से पीट दिया और वीडियो बनाने के शक में एक युवक का मोबाइल भी तोड़ डाला। आरोप है कि पुलिस वाले नशे में धुत थे। इसके शिकायत जब थाना प्रभारी को गई तो उन्होंने भी पीड़ितों के साथ अभद्र व्यवहार किया और तमंचा रखने के आरोप में दुकानदार को जेल भेज दिया। पीड़ितों ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये उंगली करना पैर की तरफ दिखाना, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे कर देना, दिखाते यह पूरा मामला आगरा के बाह क्षेत्र के बसौनी गांव गुर्जा का है। पीड़ित के भाई राम सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को बसौनी चौराहे पर उसके भाई राघवेंद्र ने अंडे का ठेला लगाया था। उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे उसकी दुकान पर दो कांस्टेबल आए। दोनों ने दुकान पर आराम से अंडे खाए और जाने लगे। जब राघवेंद्र ने अंडे के पैसे मांगे तो पुलिस वाले गुस्से से भड़क उठे और उसे गालियां देने लगे और ये कहने लगे कि झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देंगे। जब राघवेंद्र ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। इसके बाद पुलिस वालों ने थाने से पुलिस फोर्स को बुला लिया। उन्होंने यहां आकर तोड़फोड़ मारपीट की जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई, जिसके बाद पुलिस वालों ने थाने ले जाकर भाई राघवेंद्र को तमंचा रखने के आरोप में जेल भेज दिया, जबकि राम सिंह का शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया। पीड़ितों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अच्छा, हम अंडे की दुकान लगाते हैं अपने बासवानी चौराहे पे। कल 29 तारीख को उसी टाइम ये उसी दिन खोली थी तो वहाँ पे सुनील नाम के कांस्टेबल है, एक और है उनके साथ, अंडे खाने आए थे। अंडे खाने के बाद वो चल दिए। जब पैसे की मांग की भाई ने तो उसे गाली गलौज देने लगा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और बोलने लगे झूठे केस में फंसा के आपको जेल भेज देंगे। तो भाई ने तो थोड़ा बहुत और बोला लेकिन कुछ नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने थाने से अपना और स्टाफ बुलाया, दरोगा जी चंद्रसेन दरोगा जी थे और जो एक कांस्टेबल थे वो सुनील थे और उसके बाद अन्य थाना के सारे नशे की हालत में थे। आके उन्होंने तोड़ फोड़ की, मारपीट की हमारे साथ और उसके बाद ये चोट वगैरह आई हैं हमारे, और फिर थाने में ले गए। थाने में ले जाके भाई को कट्टा धरके उसके बाद दरोगा जी से बोला कि इनका तमंचा कहाँ है, तमंचा लेके आओ। तमंचा पता नहीं दरोगा जी कहाँ से लेके आए। भाई के तमंचा रखने के बाद जेल में भेज दिया झूठा केस फंसा के। और अब यही है, आज एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब के हम इसलिए आए कि हमारी जो निष्पक्ष जांच है वो जांच करवाए और जो मामला है वो ओपन करें सही। वही पीड़ित पक्ष के साथ आई बीजेपी विधायिका पक्षालिका सिंह का कहना है कि एसएसपी को मामले में सही जांच कर कार्रवाई की बात कही है। एसएसपी ने अधीनस्थों को जांच के आदेश दिए हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में बासोनी थाने पे परसों रात को थोड़ी सी मारपीट हो गई और बदतमीजी हुई जो होना नहीं चाहिए था। हम लोग सब अपनी बात एसएसपी साहब पे रखने आए, उन्हें बहुत अच्छी तरह से सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि सही कार्रवाई इसमें होगी। हुआ क्या था, क्या मामला क्या? अब ये तो आपको हमारे ये लोग ही बता देंगे। एक जना ने नया दुकान एक अंडे की दुकान खोली थी और सुनने में आया है कि पुलिस वाले अंडे खाने गए और फिर पैसा देने से मना किया, जिसपे झड़प हुआ। हालांकि पुलिस पिटाई के आरोपों से इनकार कर रही है। अब देखना यह होगा एसएसपी इस पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करती भी है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।